बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के कर्णधारों ने रचा इतिहास। श्रीमती चंदना दत्ता जी और श्री हरिदास शर्मा जी ने इतिहास को दोहरा दिया और जिस प्रकार से हमारे मंच का नाम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, वो इतिहास को उन्होंने पुनः बना दिया। और राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि पूरे बिहार से दो शिक्षकों को दिया गया है, उसमें हमारे मंच के ही दोनों सदस्य श्रीमती चंदना दत्ता जी और श्री हरिदास शर्मा जी ने एक मिसाल पेश किया है। इसीलिए कहा गया है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही मंच है जिसमें लगातार काम करते हुए श्रीमती चंद्रा दत्ता जी और श्री हरिदास शर्मा जी ने अपने कार्यों से ऑनलाइन शिक्षा देकर गरीब बच्चों तक अपनी शिक्षा का दान किया है। विशेष कहा गया है, ऊँट के पाँव तो पालने में ही नज़र आते हैं, और इतनी विनम्रता, इतना व्यवहार कुशल, इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा कार्य अपने विद्यालयों के लिए, तो क्यों नहीं ऐसे शिक्षकों की प्रतिभा को सरकार ने भी परखा और आज पूरा देश परख रहा है। धन्यवाद। आइए सुनते हैं हम लोग चंदना दत्ता जी को और हरिदास शर्मा जी को। तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स, मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा, इस मंच को के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये सम्मान मुझे ही नहीं, आप सबको मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि कोरोना काल में आप सबों ने ये सोचा, ये मंच बनाया कि बच्चों को कैसे हम शिक्षा दे सकें। तो हम शिक्षकों का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम शिक्षा दें, जैसे भी हो परिस्थिति, कुछ भी हो, लेकिन हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें अच्छा नागरिक बनाएं। तो यही सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी का जो मुझे मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये आप सबका है और दोनों ही शिक्षक टीवी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सबके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब इस पुरस्कार को प्राप्त करें, उसके लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मैं टीवीटी मंच का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो बिहार से इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए जिनका चयन हुआ है, उसमें दोनों शिक्षक, मैं और मधुबनी की चंदना दत्ता मैम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया है। बहुत ही गर्व और खुशी का पल है हम सभी के लिए कि बिहार से दो शिक्षक का इस बार चयन हुआ है। निश्चित रूप से यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, मैं यह सम्मान अपने सभी इस मंच के साथियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह सम्मान आप सभी का है। कहीं न कहीं हम सभी एक दूसरे से सीखते रहते हैं और सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं तो प्रेरित हूँ उस आमिर खान के जो फिल्म है 3 Idiots, उसके आप एक डायलॉग को सुनते होंगे कि शिक्षा अगर मिलती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं कर सकता, मैं इस मंच को पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यदि हम सभी शिक्षक अपने कार्यों को पूरे मनोयोग से, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ सतत करते रहें, तो यह पुरस्कार पाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। इतना तो मुझे अनुभव है और मैं इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं इस ग्रुप का एक सदस्य हूँ और मुझे बेहद प्रसन्नता आज हो रही है। आपने श्रीमती चंदना दत्ता जी को और श्री हरिदास शर्मा जी को सुना, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा सम्मान शिक्षकों का होता है। आप तमाम शिक्षकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हरिदास शर्मा जी की तरह, श्रीमती चंदना दत्ता जी की तरह अपने कार्यों से ऑनलाइन शिक्षा देकर पूरे बिहार के बच्चों का आप भी भला कर सकते हैं। यह वह मंच है जो शिक्षकों की प्रतिभा को राज्य ही नहीं पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहा है। बस इतना ही
आपको करना है कि फेसबुक पर जाकर सर्च करें द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, और इस मंच से जुड़ें। धन्यवाद।